हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर नेहा लोनगांवकर है और मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। और पिछले 27 साल से मैं विटिलिगो, जिसको सफ़ेद दाग बोलते हैं या मराठी में कोड बोलते हैं, इस पर ट्रीटमेंट करती हूँ। और ये जो बीमारी है, इसके लिए बहुत सारी एंग्जाइटी लोगों में रहती है। और जिनको भी सफ़ेद दाग है, उनको कुछ कुछ जैसे हम बोलते हैं कि ग्रामीण एरिया में उनके बारे में लोग बहुत सी बातें करते हैं, या उनको उस वजह से थोड़ा सा ये झेलना पड़ता है लोगों का कि भाई इसको क्या हो गया, कैसे हो गया। हम उसको सोशल टबू बोलते हैं। उस तरह से लोगों को सोसाइटी में दिक्कत आती है। वो एक पेशेंट का प्रेजेंटेशन देने वाली हूँ। तो ये जो पेशेंट है वो बहुत दूर से मेरे पास आई, और पेशेंट की उम्र बहुत ज़्यादा थी। मतलब वो मेरे पास आई तो उसका एज 61 था, और उसको भी लगभग पूरे पीठ पे, पूरे बदन पे पैचेस हो गए थे। चेहरे पे भी था उसको, लिप विटिलिगो था, और बाकी पीठ पे, सामने ब्रेस्ट पे, और पीछे से कमर के पास, हिप रीजन पे, पूरा मतलब पैरों पे, सब जगह पे था सफ़ेद। तो वो जो थी वो हाईली एजुकेटेड थी। उसको उसने बहुत सारा स्टडी भी किया था उस पर। तो उसने बहुत सारे वो जेनेटिक फैक्टर्स और क्या क्या हो सकता है वो सब डिस्कशन किया मेरे साथ, कि ये सब तो चीज़ें होने के बाद ये क्योर कैसे होगा, आप बताइए मुझे, मैं भी थोड़ी आयुर्वेद की जानकारी रखती हूँ। तो मैंने खुद भी कुछ आयुर्वेदिक दवाएं ट्राई की है, लेकिन मुझे फ़ायदा नहीं हुआ कुछ। और उसका स्ट्रेस भी बहुत था, उसके लाइफ में कुछ स्ट्रेस था उसकी फैमिली की वजह से। तो ये सब चीज़ें और मेरे साथ डिस्कशन करने के बाद मैंने उसको बताया कि ये अच्छा होता है, जो ज़्यादातर आयुर्वेद में जो कॉमन कुछ हर्ब बताए हैं, तो वही हर्ब्स यूज़ करके जो आम तौर पे लोग दवा देते हैं, तो वैसी ये दवा नहीं है। ये 27 इयर्स का एक्सपीरियंस है और उस पर रिसर्च करके बनाने वाली दवा है जो मैं आपको देने वाली हूँ। और पहली बात ये है कि आपको ट्रस्ट रखना होगा कि ये डॉक्टर मैडम मुझे क्योर करेगी। ये ट्रस्ट डॉक्टर पे रहना भी पेशेंट का बहुत ज़रूरी होता है। वो ट्रस्ट वर्क करता है और आप फ्री विटिलिगो से फ्री हो जाते हो। और आपका भी कमिटमेंट, जैसे मैंने बोला है, वो सब करना होगा आपको। तो वो डॉक्टर, वो लेडी जो थी, वो तैयार हो गई ट्रीटमेंट को। उसको लगभग 40 साल से था, मतलब बहुत साल से था उसको विटिलिगो। और ट्रीटमेंट करने के बावजूद बढ़ बढ़ के वो इतना हो गया था। और उसको हाइपरटेंशन भी था और वो प्री डायबिटिक भी थी। तो ये दोनों और अनदर डिसीज ऐड हो गए उसमें। और तीसरा, उसका यूरिक एसिड का लेवल भी ज़्यादा था। तो ये सब चीज़ों के बावजूद ट्रीटमेंट शुरू हो गया। मेडिसिन स्टार्ट करने के बाद सन एक्सपोजर और जो डाइट बताया, तो ये लेडी ने लगभग 1.5 साल तक ट्रीटमेंट किया। और उसके ट्रीटमेंट का, ये ट्रीटमेंट जो शुरू था तब उसका बाकी जो डिसीज थे वो भी कंट्रोल में रखना ज़रूरी था, क्योंकि अगर शुगर बढ़ गया और ये ट्रीटमेंट चल रहा है तो डायबिटिक पेशेंट का शुगर लेवल नॉर्मल नहीं रहा तो उसका अदर डिसीज पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो एज अ डॉक्टर वो भी देखना पड़ता है कि अगर वो कंट्रोल में नहीं है तो फिर इसका क्योर होने का पीरियड और लंबा हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रख के उसका बाकी का जो था वो ट्रीटमेंट भी नॉर्मल, इसमें नॉर्मल लेवल पे शुगर, हाइपरटेंशन कंट्रोल में, ये सब करते करते उसका जो विटिलिगो था, तो सफ़ेद दाग क्योर हो गए, बहुत अच्छी तरह से हो गए। और उसके फोटो आप देखोगे, कहीं कहीं जगह पे थोड़ा 10% वगैरह रह गया है, लेकिन ये जो मिराकल है कि उसको लग ही नहीं रहा था कि अभी मेरा एज 61 है तो मैं ट्रीटमेंट करके ठीक हो पाऊंगी। तो ये जो मिराकल है वो आयुर्वेद दवा से होता है। आयुर्वेदिक दवा बहुत अच्छी है, उसको जान के समझ के लेना ज़रूरी है। ये दवा ले रहे हैं तो परहेज करना ज़रूरी है। शरीर में आम की मात्रा बढ़नी नहीं चाहिए। आपका जो, अगर पेट साफ नहीं होता है तो कॉन्स्टिपेशन पहले क्लियर करना होता है। अगर आपके शरीर में टॉक्सिन जमा हो रहे तो फिर ये क्योर करने को और दिक्कत आती है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के ये लेडी का जो ट्रीटमेंट हुआ वो एकदम अमेजिंग था। वो आप फोटो देखकर समझ जाएंगे।
तो ये जो कॉन्टेक्स्ट है मेरा कि ये प्रेजेंटेशन मैं क्यों दे रही हूँ, तो इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो लोगों में डर पैदा हुआ है कि सफ़ेद दाग है वो जाते नहीं है और उसका ट्रीटमेंट ही नहीं हो सकता, तो ये मिथ आप दिल से निकाल दो। ट्रीटमेंट हो सकता है, सिर्फ आपको जो बोला है उस तरह से करना है और जैसे डॉक्टर ने कहा है उस तरह से कमिटमेंट से काम करना है, तो सफ़ेद दाग भी क्योर हो सकते हैं। तो आपकी हिस्ट्री के हिसाब से बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट हो सकता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखते मैं सबको यही बोलूँगी कि आप मन में जो डर है वो निकाल दीजिए और ट्रीटमेंट कीजिए। थैंक यू।